उतना ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है कि आरपी में आपका नाम आ जाए। जल्दी से जल्दी स्पैम करो। और दूसरी ओर देखें तो गॉडलाइक की स्क्वाड की फाइट हो रही है, सोल की फाइट हो रही है, दोनों तरीके से मुश्किल की घड़ी, क्योंकि गॉडलाइक वर्सेस सोल हमने सामने, मजा तो आएगा ही। यहां पर देख सकते हो नेड का इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा के तरफ से जाएगा वो नेड, बट गॉबलिन को रिवाइवल मिल चुकी है, प्लेयर 3 रोटेशन करेंगे। फाइट की शुरुआत गॉडलाइक वर्सेस सोल। यहाँ पे एचपी मेरे को देखने को नहीं मिल रही, हेल्थ रिकवर करने का प्रयास जल्द से जल्द, बट ये गड़बड़ हो गया। क्लच गॉड की तरफ से यहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा ओमेगा। आईजेल यहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके हैं, रिवाइवल देखने वाली बात रही, क्या वहां से पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि डाउन स्लोप में आप जाओगे तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे पनिश किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे वनी उनका बैटल एक्शन किस बात का अंदाजा लग चुका था, बट जब तक लगा थोड़ा दिल हुआ था, बट उसके बाद भी एलवीपी को यहाँ पे डाउन करते हैं, मैच से बाहर भी कर दिया जाता है। अक्षत एक अलग स्तर पे गेम हमें कल भी दिखाए थे, आज भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश में रहेगी, बट क्या रिवाइवल वहां पे ओमेगा को देने में कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उनको रिवाइव देना पड़ेगा, इतनी आसानी से अपने आईजी को नहीं गवा सकते। C7 बैक साइड है जिनके तरफ से स्प्रे आ सकता है, क्लच गॉड के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड काफी बेहतर मुझे लग रहा था, बट हल्का सा लास्ट सेकंड में वो जो चेंज हुआ ग्रेनेड का, उसके कारण शायद ग्रेनेड मिस हो सकता है। ओमेगा डाउन है, शायद गॉब्लिन की तरफ से वहां पे रेस्क्यू रिवाइवल के लिए जा चुके हैं, ये एक बेहतर, बट रिवाइवल कल के जल्द से जल्द वहां से अपने पोजीशन को बदलने की यहाँ पे बाहर रहेगी। बट क्लच गॉड की बात करें, फाइट को डिसएंगेज करके निकलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा टीम गॉडलाइक, इस मैच से बाहर कर दिए गए टीम सोल की तरफ से। आखिरी प्लेयर 3 की तरफ से वो मिनी 14 का टैप रहा, जो कि काफी अच्छा कनेक्शन ढूंढ लिया। गॉब्लिन तो डाउन थे ही, ओमेगा तो डाउन थे ही, गॉब्लिन भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। रिवाइवल की तरफ जो जो जा रहे हैं वो मुश्किल में अपने आप को पाते हुए, लेकिन फाइनली प्लेयर 3।